नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत में से नागमती वियोगखंड। जो नागमती है राजा रतन सेन की पत्नी है। राजा रतन सेन सिहल द्वीप चले गए हैं, किसके लिए? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। तो उनकी पत्नी जो नागमती है ये विरह से व्याकुल है। बारहमासा वर्णन है, अलग अलग महीने में कैसा अनुभव करती है अपने प्रियतम के बिना, वो यहाँ पर दिखाया गया है। हमने कार्तिक महीने के बारे में पिछले पद में किया था। आज जो हम कर रहे हैं ये अगहन माह यानी कार्तिक के बाद जो माघ का महीना आता है, सर्दी का महीना आता है, उसकी मार्मिक दशा का चित्रण इस पद में किया गया है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर नागमती क्या कहती है, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, कि अगहन माघ का महीना आ गया है और इस महीने में क्या हो गया है, देवस घटा, दिन घट गया है, दिन छोटे हो गए हैं, निसी बाढ़ी, और रात्रि लंबी होने लगी है, रातें लंबी और दिन छोटे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि माघ का महीना आ गया है। दूभर रहनी सो जाए किमी बाढ़ी, इसी कारण दूभर हो गई है, जो रहनी यानी रात्रि है वो दूभर हो गई है। किमी काढ़ी, किमी अर्थात किस प्रकार, काढ़ी निकालूँ, कि मैं इन लंबी रात्रि को कैसे व्यतीत करूं, ये लंबी रातें मुझसे निकालना या मुझसे बिताना बहुत ही कठिन हो गया है। अब धनी देवस विरह भा राती, धनी अर्थात स्त्री, अब जो स्त्री है अर्थात नागमती है, उसके लिए ये दिन बिताना, दिन भी कैसे हो गए हैं, विरह भा राती, दिन भी हो गए हैं विरह के कारण रात के समान, कि नागमती के लिए विरह की अवस्था के कारण अब जो दिन है वो भी रात्रि के समान उसे प्रतीत होते हैं। और जरे विरह जो दीपक बाती, और जलती है इस विरह की आग में, कैसे, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो यानी जैसे दीपक में बाती जलती रहती है उसी प्रकार विरह में नागमती जल रही है। कांपा हिया जनावा सियु, कांपा हिया, हिया यानी हृदय, कि हृदय कांप उठा जब ये ज्ञात हुआ, जनावा यानी जान पड़ा या ज्ञात हुआ कि सियु अर्थात सर्दी आ गई है, कि सर्दी का समय आ गया है, ये जानकर जो मन है, जो हृदय है, वो कांपने लगा। तोपे जाई होई संग पियु, यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है कि उसकी सर्दी तो तोपे जाई, कि ये सर्दी तो कब जाएगी, होई संग पियु, कि जब मेरे साथ मेरे प्रियतम होंगे तभी मेरे जीवन की ये सर्दी समाप्त हो पाएगी। घर घर चीर रचा काहूँ, मोर रूप रंग लेगा नाहूँ। घर घर कि प्रत्येक घर की, सभी जो नारियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, चीर यानी गर्म वस्त्र बना रही हैं, रच रही हैं, बना रही है, गर्म वस्त्र बना लिए हैं, लेकिन मोर रूप रंग लेगा नाहूँ, लेकिन मेरा तो रूप और रंग कौन ले गया, मेरे प्रियतम अपने साथ ले गए हैं। मेरा तो रूप रंग मेरे पास नहीं है, मेरे प्रियतम अपने साथ ले गए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब मुझे कोई शुद्ध नहीं है। पलटी ने बहुरा गा जो बिछोई, पलटी ने कि वापिस नहीं आए, जो चले गए मुझसे बिछड़कर, बिछोई यानी बिछड़कर, कि मेरे प्रियतम मुझसे बिछड़कर चले गए हैं, और फिर बहुरा यानी फिर लौट कर दोबारा से वो वापिस मेरे पास नहीं आए। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, यदि अभी भी वे वापस आ जाएं तो क्या है, पुनः वैसा ही हो जाएगा, कैसा, जैसे पहले था, कि अब हूँ अभी भी फिरे आ जाते हैं, फिरे रंग सोई, अभी भी वो वापस आ जाते हैं तो फिर से वैसा ही रंग मेरा बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे घर घर शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, फिरे फिरे शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सियरी अग्नि विरही विरहनी हिया जारा, कि इस सिया सियनी यानी इस जो शीतलता है या ये जो ठंडक की अग्नि है, इसके कारण विरहिणी क्या जो हृदय है वो जारा जल रहा है, अर्थात जो ये शीतलता है, ये जो सर्दियाँ हैं, इसमें मुझ विरहिणी का जो हृदय है वो क्या हो रहा है, अग्नि के समान जल रहा है। सुलगी सुलगी, फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुलगी सुलगी दगदे होई छारा, कि सुलग सुलग कर,
जल जल कर क्या हो गया है, छारे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, राख बन गई है कि मेरा जो हृदय है वो जल जल कर इस समय में जल जल कर किस में परिवर्तित हो गया है, राख में परिवर्तित हो गया है। यह दुख दुग्ध नक जाने कंतु जोबन जरम करे भस्मंतु। वो ये क्या कहना चाहती हैं कि मेरे जो प्रियतम हैं वो इतने कठोर हो गए हैं कि इस दुख की दुगद यानी जलन को, इस दुख की जलन को न जाने, नहीं जानते कंतु यानी प्रियतम, मेरे प्रियतम इस दुख की पीड़ा को, मेरे हृदय में जो जलन है या जो पीड़ा है इसको नहीं जान पाते। जोबन जरम करे भस्मंतु कि मेरा जो यौवन है ये जला रहा है और मेरे जीवन को क्या कर रहा है, भस्म कर रहा है। ये जो दुख है, ये दुख कौन सा दुख है, जो वियोग का दुख है, विरह का दुख है, ये मुझे जला रहा है और मेरी जो युवावस्था है या जो मेरा यौवन और मेरा जो जरम है, मेरा जो जीवन है वो क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। दोहे में क्या कहती हैं, पिए सो कहूँ संदेशड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। हे भंवरा हे काग, भंवरे और काग को संबोधित कर रही हैं कि हे भंवरे हे कौवे, तुम पिया को, मेरे प्रियतम को जाकर क्या कहो, संदेशा दो। क्योंकि भंवरा और कौवा हमेशा ही संदेश के लिए प्रयोग किया जाता है कि तुम जाकर संदेशा दो, क्या दो, सो धनी विरह जरी मुई कि सो कौन सी, वही धनी यानी स्त्री, वही तुम्हारी जो स्त्री है, तुम्हारी जो पत्नी है, प्रियतमा है, वो विरह में जल कर मुई मर गई है, समाप्त हो गई है। तेहिक, तेहिक यानी उसका धुआं हम लाग, हम कौन हैं, भंवरा और कौवा, हमें लग गया है, अर्थात हमारे काले होने का कारण क्या है कि तुम्हारी पत्नी जली और उसके जलने से जो धुआं उत्पन्न हुआ उसी के कारण हम काले हो गए हैं और ये संदेशा जाकर तुम राजा रतन सेन को या मेरे प्रियतम को पहुंचा दो। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो नागमती अपनी विरह की अवस्था का बहुत ही कारुणिक तरीके से या करुणिक दशा का बहुत ही सुंदर तरीके से उपालंब देते हुए वर्णन कर रही हैं। इसमें अगर देखें तो अवधनी दिवस विरह भा राती, जरे विरह जो दीपक बाती, तो यहाँ पर उपमा भी अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। इसके साथ साथ जो दोहा है इसमें अगर देखें तो काव्यलिंग अलंकार है। इसके साथ अगर देखें तो दोहा छंद में नागमती बहुत ही मर्म स्पर्शी चित्रण कर रही है कि कौवे और भंवरे के काले होने का कारण क्या है, कि नागमती के जलने से जो धुआं उत्पन्न हुआ उसी से दोनों काले हो गए हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है, वियोग श्रृंगार है, संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, समस्त पदावली अवधि भाषा में है और जैसा कि आप जानते हैं प्रथम 7 पंक्तियां चौपाई है और अंतिम दोनों जो पंक्तियां हैं ये दोहा छंद में है। तो यहाँ पर नागमती अपनी विरह अवस्था का चित्रण कर रही हैं, किस महीने में, माघ के महीने में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।